आदिवासी के नाम से बहुत सारा स्कैम चल रहा है सर, तो हमें व्हाट्सएप पे भेजिए, बोलने से वो क्या भेजते हो 499 वाला, तो हम बताएंगे उसको ये तो हमारा है ही नहीं, ये हम तो मैसूर कर्नाटक के आदिवासी लोग है, हम ये जो तेल है पूरा जड़ी बूटी से बनाते सर, ये तेल लगाने से जो बाल झड़ रहा है, टूट रहा है, गिर रहा है, उसको रुकवाट करता है। इस तेल में कितनी नमूने की जड़ी बूटी डालते हैं आप? 108 प्रकार की जड़ी बूटी होती है, 4 से 5 घंटा तेल पकाना पड़ता है सर। तो आप कहाँ जाते हैं जड़ी बूटी लाने? जंगल में तो एंट्री नहीं है किसी का, जो भी लेना है उसके नजदीक से कहाँ भी मिल जाएगा। आदिवासी हीरो, ये नाम किस तरह डिसाइड किया था? पूर्वजों के जमाने से हम आदिवासी है सर, हम हक्की पिक्की आदिवासी कम्युनिटी के लोग है, हम कर्नाटक में रहते हैं लेकिन हमारा लैंग्वेज मिक्स होता है, गुजराती मराठी लोग मिलता है तो वाग्रीवेल का भाषा बोलते हैं। इंडिया में किसी को पता नहीं है कि ये वाग्रीवेल की भाषा क्या है। जो भी आदिवासी के तेल के नाम से ऐसा कुछ स्कैम मत करो, किसी को मत धोखा दो, ऐसा है यूट्यूबर की तरफ से उन लोगों को धन्यवाद करना चाहिए पहले, क्योंकि आदिवासी को सपोर्ट किया, बहुत सारा सपोर्ट किया। हेलो एवरीवन, सक्सेस के सफर के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े बहुत ही खास मेहमान जो कि आदिवासी हेयर ऑयल के ओनर है, तो आइए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं, उनसे इस हेयर ऑयल के बारे में पूछेंगे, किस तरह बनाया, उन बिगनिंग के बारे में जानेंगे। सर आपका हमारे इस शो में वेलकम है। नमस्ते सर। सर जी हम तो मैसूर कर्नाटक के आदिवासी लोग है, हम ये जो तेल है पूरा जड़ी बूटी से बनाते सर जी, ये तेल लगाने से जो बाल झड़ रहा है, टूट रहा है, गिर रहा है, उसको रुकवाट करता है, बालों में ग्रोथ और बाल मजबूत से रहता है सर जी। इसमें गारंटी वाला होता है, पूरा नेचुरल जड़ी बूटी डालते हैं जी। हमारा दादा परदादा के जमाने से ही ये प्रोडक्ट बनाते आ रहे हैं, जैसे कि पहले जो है कोई सोशल मीडिया इस पे वो कुछ प्रचार नहीं था, घर घर पे जाते थे जी, ये इसका प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करते थे, सेल करते थे सर हम पहले जी। तो पहले कुछ ऐसा नहीं था कि सोशल मीडिया के बारे में नहीं था सर, कोई ऐसा नहीं था। तो आते आते अभी हमारा दादा परदादा का जमाना गया, अभी सोशल मीडिया की तरफ से एक एक, एक, एक अपने इसमें आ रहे हैं ट्रेंडिंग। अच्छा, अच्छा मार्केट आ गया। मार्केटिंग में ऐसे कि हमारा आदिवासी तेल का नाम थोड़ा ऊंचा है अभी। बिल्कुल ट्रेंडिंग चल रहा है पूरे इंडिया में, आप सबको पता ही होगा कि आदिवासी तेल किस तरह पूरे इंडिया में ट्रेंडिंग कर चल रहा है। सर मैं आपके अर्ली लाइफ बिगिनिंग के बारे में पूछना चाहूंगा, मतलब कि आपने ये सब चीजें कहाँ से शुरू की, ये आपके पूर्वजों का बिजनेस था या फिर आप ही ने एस्टेब्लिश किया ये बिजनेस को? ये हमारा पूर्वजों से जमाने से बनाते आ रहे हैं जी। वही सर मैं बताया ना आपको, हमारा पूर्वजों ने उसका उस जमाने में हमारे खुद के लिए इस्तेमाल करते थे जी, जो जेंट्स है लेडीज है खुद के लिए भी इस्तेमाल करते थे, और किसी को चाहिए बोले तो उसके घर घर पे जाके एडवर्टाइजमेंट करने का, घर के पास जाने का, ऐसा तेल है हमारे पास, ये तेल लगाने से ऐसा फायदा होता है, जो बाल झड़ रहा है टूट रहा है उसको रुकवाट होता है जी, सब फायदा होता है बोल के घर पे जाके बात करके जैसे कि एडवर्टाइजमेंट जैसा करके सेल कर रहे थे पहले। सर इस प्रोडक्ट के पीछे अब जैसा कि आपने बताया कि आपके दादाजी परदादाजी ने शुरू किया है, तो जब उन्होंने शुरू किया तो ये सारा चीज आपको सौंप कर चले गए या फिर आपने इसके अंदर कुछ और चीजें इन्वॉल्व करके कुछ अलग बनाया, या फिर सेम प्रोडक्ट जो पहले से चलता आ रहा है वही प्रोडक्ट है? सेम प्रोडक्ट है सर, हमारा दादा परदादा ने जो सिखाया है जी वही बना रहे सर। सर इसी सारी जड़ी बूटी है वो कहाँ से लाते हैं आप? सर जी ये जड़ी बूटी जो है हमें अपने जंगल में अभी तो जाने को नहीं छोड़ते, पहले तो हमारे दादा नाना जी सब लोग जंगल में जाते थे और जड़ी बूटी लेके आते हैं। अभी जहाँ जहाँ हमें जड़ी बूटी मिलती है, हरी प्रकार की जड़ी बूटी मिलती है, सूखी प्रकार की जड़ी बूटी मिलती है, जैसे कि बारिश के मौसम में जो जड़ी बूटी ज्यादा से ज्यादा मिलता है तो उसको हम सुखा लेते हैं, सुखा के उसको पाउडर करके रख लेते हैं सर जी। मतलब आप कहाँ जाते हैं जड़ी बूटी लाने? सर तो अभी तो जंगल में नहीं जा सकते सर, लेकिन हमारे इधर जंगल जैसा ही है, ये नजदीक में यहाँ से नागरोले 6 किलोमीटर नागरोले जी, नागरोले 6 किलोमीटर जंगल है हमारे यहाँ से, तो जंगल में तो एंट्री नहीं है किसी का, जो भी लेना है उसके नजदीक से कहाँ भी मिल जाएगा जी। जहाँ भी आपको प्रोडक्ट जो भी मिलता है अपना जड़ी बूटी आमला अपना एलोवेरा जहाँ जहाँ मिलता है वो ले लेते हैं, और अपना भृंगराज बिरमी दासवान का पता ही हमारा यहाँ पे मिलता है, बहुत सारा मिलता है, लेकिन जो मेन जड़ी बूटी होती है जिस टाइम बारिश होता है उस टाइम ज्यादा मिलता है, उस टाइम हम तो ज्यादा से मिलेगा तो लाके इकट्ठा करके उसको रख लेते हैं सर। जिस टाइम तेल बनाना चाहते हैं उस टाइम हम जो हरी प्रकार की जड़ी बूटी मिलती है उस टाइम थोड़ा हरी प्रकार की जड़ी बूटी और सूखी प्रकार की जड़ी बूटी लाके तेल में डाल के बनाते हैं, तो मिक्स कर कर आप उसको बना देते हैं? हाँ पूरा हम बनाते हैं सर। मतलब सर ये आप तो एक अच्छे के लिए कर रहे हैं, तो आपको परमिशन नहीं मिलती है क्या, मतलब जंगल में जाके ये सारी चीजें लाने की? सर ऐसी परमिशन तो अभी है नहीं है सर, पहले थी सर, पहले जो थे पहले भी नहीं था, उस जमाने में भी होगा या नहीं होगा पता नहीं है, लेकिन पहले हमारे जो दादा नाना जी थे जो थे हॉस्पिटल नहीं जाते थे सर, जो भी प्रॉब्लम है
उसको घर में ही अपने हाथों से बना के खा ले लेते जी, आयुर्वेदिक इलाज हो जाती थी। हमें हमारी जो हम पैदा हुए उस टाइम भी ज्यादा ऐसा ही था। अच्छा, क्या हॉस्पिटल जाने का ज्यादा नहीं है, घर पे ही क्या भी एक बना के हर्बल जड़ी बूटी का ही बना के पिलाते थे। अभी अभी आप लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल? सर हम बोले से सर अभी इस टाइम में इस जमाने में तो बहुत सारा केमिकल का फूड हो चुका है, वो तो हो गए। इसके लिए तो कभी की एक बार जाना पड़ेगा, ये सब कुछ जाना पड़ता है सर। एकदम कम से लेकर आपने एक बड़ा चीज बना दिया ये प्रोडक्ट को, तो उसके पीछे ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ये चीज बन गई, कुछ चैलेंजेस भी फेस आए होंगे आपको? हाँ। कुछ मुश्किलात आई होंगी आपको, किसी ने रोका होगा या फिर बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं मिला होगा, फैमिली सपोर्ट नहीं मिला होगा, ऐसा कुछ हुआ क्या आपकी लाइफ में? जब सर हमारी लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम आया सर, पहले ये जो तेल था बहुत मुश्किल से एक दो बॉटल बेचने का भी बहुत मुश्किल होता था सर जी। क्या है ना, घर में जाना पड़ता है, वो आने हम घर पे जाते हैं, हम ये ऐसा तेल लेके आए हैं बालों के लिए, हमें नहीं चाहिए करके बहुत सारे लोग बताते थे, तो हम बहुत दुख होता था। अच्छा इतने मेहनत से बना रहे, इतने मेहनत से बनाए हुए हैं, लेकिन खरीदने के लिए मना कर रहे थे। जो कस्टमर आते थे तो हम उनको ऊपर से बोलना पड़ता था जी ये तेल लगाओ आपके लिए अच्छा है, लेकिन भी मानते नहीं थे। ये प्रोडक्ट अभी अभी YouTube Facebook के वजह से जो कस्टमर लेके लगा रहे हैं उनका फायदा है, उसके लिए हजारों कस्टमर हमारे पास आके खुद अभी ले रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो पूरा इंडिया देख रहा है कि ये हेयर ऑयल किस तरह ट्रेंडिंग चल रहा है पूरे इंडिया में। तो मैं एक बात पूछना चाहूंगा, ये जो आदिवासी नाम रखा है आपने आदिवासी हेयर ऑयल, ये नाम किस तरह डिसाइड किया था? मतलब आपके पूर्वजों ने रखा था या फिर आपने ही कुछ सोचकर नाम रखा है? नहीं नहीं सर, हमारा पूर्वजों के जमाने से हम आदिवासी है सर, हम पूरा जंगल में शिकार करके खाने वाले आदिवासी लोग हैं जी। हमारा कोई लिखत नहीं है, लिखने पढ़ने का कुछ नहीं है, हमारा नाम है हक्की पिक्की बोलते हैं कर्नाटका में। हाँ। हम हक्की पिक्की आदिवासी कम्युनिटी के लोग हैं हम जी। हमारा नाम ही हमारा नाम जो हक्की पिक्की करके नाम है। हाँ। तो उसका लिखने का कुछ भी नहीं है सर, हमारा भाषा चेंज है सर, हम कर्नाटक में रहते हैं लेकिन हमारा लैंग्वेज मिक्स होता है, गुजराती मराठी ऐसे सारा मिक्स लैंग्वेज में रहता है। अच्छा, हमारी एक बात करेंगे, एक परफेक्ट लैंग्वेज नहीं है, हमारा परफेक्ट लैंग्वेज नहीं है सर, जो है हमारा जो लैंग्वेज है वही है। वाग्रीवेल करके बोलते हैं, जो हमारा लोग मिलता है तो वाग्रीवेल का भाषा बोलते हैं। इंडिया में किसी को पता नहीं है कि ये वाग्रीवेल की भाषा क्या है, क्या है मतलब ये आदिवासी नाम पहले से ही रखे पहले से ही है सर, पहले से हम पहले से पूर्वजों के जमाने से भी हम शिकार करके खाते आ रहे थे, राजस्थान गुजरात ऐसे कहां पहले मैसूर में थे जी। जैसे कि मैसूर में महाराजा ने हमको जगह भी दिया वहां पे रहने के लिए, तो उस टाइम क्या हो गया शिकार करके खाने वाले है ना, जंगल नजदीक नहीं था, नहीं था, तो वहां से यहाँ पे आ गए, यहाँ पे जंगल नजदीक है। हाँ। जाने का शिकार करने का आने का ऐसा कर रहे थे। अच्छा, तो अभी क्या हो रहा है सर, अभी शिकार करने का मौका नहीं मिल रहा, नहीं शिकार कर नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते ना जंगल में, अभी जाएंगे तो पकड़ लेंगे जी, जेल में डाल देंगे जी, तो ऐसा होता है। इसलिए हम क्या डिसाइड किया, जो हमारा पूर्वजों ने बनाया है ये प्रोडक्ट, इसे हम मार्केटिंग करके देखेंगे, इसे कुछ होगा तो हमारा ये मन में है। हाँ, पूर्वजों की एक प्रोडक्ट, हाँ, आपकी जिंदगी का एक सक्सेसफुल मोमेंट हो गया। हाँ जी, सक्सेसफुल मोमेंट हो रहा है, वो भी जाएगा इंटरनेशनल लेवल में भी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं जानना चाहूंगा, जैसा कि आपने बताया कि पहले घर घर जाकर आप एक दो प्रोडक्ट बेचते थे, लोग इनकार करते थे, फिर अचानक से इतनी सारी सेल बढ़ने के पीछे, ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट के पीछे मतलब आपने क्या मेहनत की है इतनी सारी? जैसा कि कोई बहुत सारे बिजनेस कर रहे लोग, उनको ही पता चलना चाहिए कि आपने किस तरह मार्केटिंग की इसकी, इसके पीछे क्या मेहनत की आपने? वही सर, पहले घर घर पे जाते थे जी, उसके बाद क्या हुआ सर, हम तो एग्जीबिशन जैसे कि मेला लगता है, बड़ा बड़ा मेला एग्जीबिशन, गवर्नमेंट की तरफ से हमको एक दो बार लेटर मिला गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको फ्री एक स्टॉल है, एग्जीबिशन है जी, आप अपना जो प्रोडक्ट है यहाँ पे आप प्रचार कर सकते हैं। तो ऐसा बताया हमको, तो हमने भी सोचा ठीक है, हम भी हमारा प्रोडक्ट को, आदिवासी प्रोडक्ट को हम जाएंगे दिखाएंगे, लोगों में प्रचार करेंगे करके हमने सोच के एग्जीबिशन पे गया सर जी। एग्जीबिशन पे जाकर इसका पूरा एडवर्टाइजमेंट किया हमने, उसके बाद एक दो कस्टमर भी आने लगे, लेने लगे, क्योंकि 10-15 दिन का मेला रहता है, 10-12 दिन लगाने वाले कस्टमर, हाँ ठीक है ऐसा ही है, फायदा होने पर भरोसा हो गया कि तेल एक अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है आने का लेने का। इसमें क्या हुआ, यूट्यूबर्स लोग, एक दो यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाया मेले में, हाँ मेले में वीडियो बनाकर वो वीडियो को
यूट्यूब में अपलोड किया, वहां से थोड़ा सा वायरल होने लगा सर जी, ये तेल ऑर्डर आने लगे, फोन पे फोन आने लगे कि हम आपका प्रोडक्ट हमने लिया लगाया, और बॉटल पे जो नंबर था ना, नंबर पे देख के कॉल करने लगे कि आपका प्रोडक्ट सही है, हमें भी चाहिए, हमें चाहिए, फैमिली में चाहिए, कॉन्टेक्ट करने लगे। और यूट्यूबर्स लोगों ने भी जो वीडियो बनाया था उन लोगों ने भी अपलोड किया, तो उनकी तरफ से भी कॉल पे कॉल आने लगा, जैसे कि हमारा बिजनेस थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट होने लगा सर। उसकी वजह से बहुत सारे यूट्यूबर हमारे पास आ रहे हैं, वीडियो बना रहे सर, सबके लिए अच्छा फायदा करते हैं सर ये तेल। वो तो सारी दुनिया देख रही है आपके पास कितने सारे यूट्यूबर्स, कितने सारे सेलिब्रिटीज आ रहे हैं और आपके प्रोडक्ट का एक एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उससे भी आपके सेल्स काफी हाई हो रहे हैं। जी सर, उनके वजह से हम एक लेवल पे आ रहे हैं सर। सब उनके वजह से ही हमारे जो दादा परदादा ने सिखाया, लेकिन यूट्यूबर की वजह से हम थोड़ा सा आगे आ रहे हैं सर। एक टेक्निक, मार्केटिंग टेक्निक जो अभी चल रही है न्यू जनरेशन पे, वो टेक्निक का यूज करके आपने ये प्रोडक्ट को यहाँ से यहाँ पर लेकर चले गए। जी सर, जी सर, जी। मतलब जैसा कि आप देख सकते हैं यूट्यूबर्स काफी साथ दे रहे हैं इनका, यूट्यूबर्स हो या फिर कोई इन्फ्लुएंसर्स हो, सारे लोग इनका साथ दे रहे हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते हैं इनके पास तेल जो है इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं इनके उनके इंस्टा हैंडल्स पर, यूट्यूब पर, फिर इनकी सेल्स जबरदस्त हाई एक तौर पर चल जा रही है ऊपर एक लेवल पर। सर मैं आपको पूछना चाहूंगा, जैसा कि आप कितने साल से बेच रहे हैं ये तेल? सर अभी देखो मेरा तो उम्र है 31 ईयर। जी सर, हम मेरे जो ये इसका एडवर्टाइजमेंट करना, सेल करना, मेरे दिमाग में आया सर कम से कम मैं 18-20 साल का था। हाँ। तब से मेरे को, मेरा माँ बाप सब यही काम करते हैं सर। जी, फैमिली तो, बिजनेस। हाँ, फैमिली बिजनेस है ना, फैमिली पूर्व जैसे बना गया है ना, तो मैं भी मेरा भाई मेरी बहन के साथ में मैं भी जाता था एग्जीबिशन पे एडवर्टाइजमेंट करने का, बात करने का, तो इसमें मेरे को भी ये बिजनेस करना पड़ेगा ना। हम तो पढ़े लिखे तो नहीं है, हमको किसी ने पढ़ाया लिखा भी नहीं है, हमारा नाम लिखना है तो 10 बार देखना क्या बराबर लिखा हूँ या नहीं लिखा है, तो वैसा है। आदिवासी लोग है ना, तो थोड़ा अनपढ़ लोग है, लेकिन इस बारे में तो हम नहीं, ऐसी बात नहीं, आपको मिलकर तो मुझे एक पसंद भी ऐसा नहीं लग रहा कि आप अनपढ़ है, मतलब आपको एजुकेटेड समझ रहा था मैं। इसी बिजनेस करते करते इंटरनेशनल के हिसाब से भी हम जाएंगे। इनका फ्यूचर क्या प्लान है, इंटरनेशनल लेवल पर भी ये तेल को ये बेचना चाहते हैं, यानी कि इंडिया में ही नहीं दूसरे कंट्रीज में भी ये तेल को इम्पोर्टेड करना चाहते हैं, तो सर आपको कुछ मतलब माइलस्टोन्स क्या अचीव है, मतलब एक दिन में आपने इतने सारे प्रोडक्ट बेच दिए, इतनी सारी सेल हो गई, ऐसे कुछ माइलस्टोन्स अचीव है क्या आपको? सर हुई है सर, एक एक महीने में 10,000-15,000 भी सेल हो जाता है, 10-15,000 बॉटल भी सेल हो जाता है, तो ट्रेंडिंग इसका कैसा है यूट्यूबर की तरफ से, उन लोगों को धन्यवाद करना चाहिए पहले, क्योंकि आदिवासी को सपोर्ट किया, बहुत सारा सपोर्ट किया। सर जैसा कि आप ये तेल को यूज करने से आपने कहा कि कितने दिन में बाल बढ़ते हैं? सर ये तेल लगाने से 15-20 दिनों के अंदर जो बाल झड़ता है ना, झड़ना टूटना बालों को रुकावट करता है 15-20 दिनों के अंदर। जी, जैसे कि पतला हो जाता है, गंजापन जैसे दिखने लगता है, उनके लिए बाल आना चाहिए है ना, ऐसा पूरा ये हो जाएगा तो उनको नहीं आता सर बाल, जहाँ रूट से रहना पड़ता है, बालों का रूट से रहना पड़ता है, जो छोटे छोटे बाल है, पतले पतले बाल है, रूट से रहना पड़ता है, वो छोटे पतले बाल ही मोटे घने करके लंबा बढ़ेगा, जहां बालों का जड़ नहीं है वहां पे बाल नहीं आएगा सर। मैं एक बार फिर से क्लैरिफाई करना चाहूंगा, ये आदिवासी हेयर ऑयल जो यूज कर रहे हैं और जो यूज करना चाहते है, कि सर मेरे को और एक बार बता दीजिए, जो यहाँ पर जो टकला हो जाता है, मतलब जहाँ रूट्स नहीं रहते, डायरेक्ट जो टकला हो जाता है ना यहाँ पर, उनके लिए ये हेयर ऑयल यूज करने से उनको फायदा होगा क्या, मतलब वहां पर हेयर्स आएंगे, या फिर ये सिर्फ अपने जहाँ हेयर से जहाँ रूट से उनको ही बड़ा करता है? सर जहाँ बालों का जड़ है रूट से वहां पे आएगा, जहाँ रूट से वहां पे ना, जहाँ नहीं है वहां पे नहीं आ सकता है। जो बाल है उसे बचाना चाहते हैं तो ये तेल का इस्तेमाल करो, 100% फायदा करेगा। अच्छा, तो जैसा कि ये बात इन्होंने अभी भी क्लियर की है कि जहाँ रूट्स है हेयर्स के वो बाल को घने करेगा और झड़ने से बचाएगा, यानी कि जहाँ पर हेयर्स नहीं है, हेयर आना बंद हो चुके हैं, रूट्स चले गए वहां से, उसका अभी इन्होंने कुछ प्रोडक्ट बनाया नहीं है। आगे फ्यूचर में मैं आपसे जानना चाहूंगा ये प्रोडक्ट बनेगा क्या, आप बनाने वाले हैं क्या फ्यूचर में? सर फ्यूचर में बोलने से सर बनाएंगे सर, लेकिन क्या है ना, ये तेल हमारे पूर्वजों से जो बना के आ रहे हैं ना, ये तेल में इतनी खासियत है जी कि कोई दूसरा तेल बना नहीं सकते सर हम, इतनी खासियत है इसमें, इसी में सभी काम करते हैं सर। डैंड्रफ हटाएगा, बाल लंबे करेगा, जड़ेगा नहीं, टूटेगा नहीं, घने ग्रोथ डार्ट करेगा, जहाँ बाल का जड़ है ही नहीं तो वहां कैसे उगेगा सर? अभी देखो डांबर के ऊपर कुछ घास उगेगा नहीं, नहीं नहीं, अभी जहाँ डांबर डाल दिया वहां तो घास उगने का चांस ही नहीं है,
जहाँ घास है वहाँ पानी डालो, घास उगेगा। बिल्कुल डांबर के ऊपर कितना पानी डालो नहीं उगेगा बाल। तो सर जैसा कि आपने कहा कि 15 डेज के अंदर इसका रिजल्ट आएगा, तो आप हजारों लाखों कस्टमर्स को ये तेल बेच रहे हैं, तो उन कस्टमर्स का फीडबैक आपको मिल रहा है क्या? मतलब वो कॉल करके बोल रहे हाँ सर हमें ये तेल से फायदा हुआ, ऐसे कुछ कस्टमर्स का फीडबैक आता होगा ना सर आपको? सर हजारों ऐसे कस्टमर हजारों है सर जी, फैमिली में 10 बॉटल 20 बॉटल 50 बॉटल वैसे लेके जाते सर, हजारों लोग हमारे पास आते हैं लेके जाते हैं। हाँ, और बाद में कॉल कर बोलते हैं, कॉल करके बोलते हैं हमारा फायदा है, हमको और भेजो करके बोलते हैं, हम भेजते हैं होम डिलीवरी और डायरेक्ट आके देख के लेके जाते सर यहाँ। फायदा जैसा हर चीज का एक फायदा होगा तो उससे हम हमारे दूसरों को भी बताएंगे ना, तो वही चीज है ये। अगर तेल का फायदा होगा, ये तेल अच्छा है इसीलिए फायदा हो रहा है, और ये चीज हम दूसरों को बताएंगे ना, तो इसलिए कस्टमर का फीडबैक ऐसा है कि ये बार बार आते हैं और तेल लिख जाते हैं एक फैमिली के लिए 100 बॉटल, इस तरीके से कस्टमर इनके पास से तेल परचेस करते हैं। सर मैं आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछना चाहूँगा कि आप इन फ्यूचर में क्या क्या करने वाले हैं, मतलब जैसे कि आपने अभी भी कहा कि इंटरनेशनल लेवल पे इसको बेचने वाले, तो और दूसरे कोई प्लान्स, ये तेल हो गया या कोई और दूसरा प्रोडक्ट बनाने वाले आप, शैम्पू है ऐसे कुछ प्रोडक्ट बनाने वाले क्या आप? नहीं सर, हमारा ये तेल है बालों के लिए और जो भी है मसाज का है, बैक पेन जॉइंट पेन के लिए उनके लिए भी तेल बनाते हैं हम। अच्छा। जो दर्द होता है कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, ऐसा दर्दों के लिए भी तेल है सर। मालिश करने से कितना साल का पुराना दर्द रहे तो पुराना दर्द भी कम हो जाए, कम हो जाता है। मसाज का भी तेल है और ये वाला तेल है। मैं आपसे कुछ एडवाइस देना, मतलब मेरे जो यंगस्टर्स है या फिर कोई नया बिजनेस शुरू करे, हेयर ऑयल हो गया या फिर कोई दूसरा भी बिजनेस रहे, तो उनके लिए कोई एडवाइस देना चाहेंगे आपकी, किस तरह इसकी मार्केटिंग करे, किस तरह इस बिजनेस को आगे बढ़ाए, उनके लिए कुछ एडवाइस दीजिए आप। सर जो पहले है ना, क्या होता है एक दुकानदार होता है उस क्या सोचते हैं, मैं लाके सेल करूंगा इसका फायदा नहीं होगा तो मेरे पे आ जाएगा जी, तो उनके लिए क्या है, दुकानदार के लिए एक मैं बात करना चाहता हूँ, एक बोतल अपने लिए खरीदो, अपना फायदा देखो, उनके बाद आप भी सेल करो चले, ये दुकानदार के लिए। अगर कोई कस्टमर है वो दुकानदार लेके लगाएगा उसके बाद मैं ही लूंगा, तो दुकानदार को विश्वास होना है ना, मतलब पहले विश्वास जरूरी है। हाँ विश्वास तो जरूरी है ना, पहले अपने लिए इस्तेमाल करो, बाद में कस्टमर के लिए भी आप लेके हमारे पास से लेके आप सेल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक पर्सनल मैं बोलना चाहूंगा, जैसे कि एक ओरिजिनल प्रोडक्ट है, आप अगर चीजों को ओरिजिनल रखोगे तो खुद ब खुद जैसा इन्होंने जीरो से आज हीरो पर पहुंच चुके हैं, तो उसी तरह आपका भी मार्केटिंग बनेगा। ये एक एडवाइस दे रहा हूं मैं सर की तरफ से, जो यंगस्टर्स है जो न्यू बिजनेस शुरू कर रहे हैं दूसरे दूसरे प्रोडक्ट्स का, उन लोगों के लिए। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप कभी भी आपके मैं बहुत सारे रिलीज देखता हूं, वीडियोस देखता हूं, तो उसमें आप कहते हैं कि फेक ऑयल्स जो है वो कहां कहां पर बिक रहे हैं और क्यों वो बेच रहे हैं, मतलब? सर जी इसका भी एक क्या हो गया सर, ये यूट्यूब फेसबुक के अंदर आदिवासी के नाम से बहुत सारा वीडियो चल रहा है, बहुत ट्रेंडिंग में है, आगे है वीडियो। तो राजस्थान गुजरात की तरफ से बहुत सारे लोग हमारे आदिवासी के नाम से फेक तेल बना लिया, जो वीडियो है हमारा रहता है जी। आपका भी शायद वैसा करेगा, आपका वीडियो को भी वैसा कर लेगा। वीडियो के ऊपर क्या करते हैं सर, ये जो भी आप नंबर देंगे, कॉन्टेक्ट नंबर कुछ भी देंगे आप, उसे क्या करेंगे एडिट कर देंगे, आपका नंबर पूरा हटा देंगे, वो क्या करेंगे उनके वेबसाइट डाल देंगे नीचे, ऊपर उनका 499 का लगा देंगे। अच्छा। तो ऑर्डर करेंगे 499 का ऑर्डर हो जाएगा, बात हम दोनों कर रहे हैं, ऑर्डर उनके पास जाएगा। अरे तो उन लोगों के पास फंस जाते हैं, लेकिन वो बोलते हैं हमारे पास आपका वीडियो देखा हमने, हमने आपके पास लिया है, तो हमें व्हाट्सएप पे भेजिए बोलने से, वो क्या भेजते हो 499 वाला, तो हम बताएंगे उसको ये तो हमारा है ही नहीं है, तो वो लोग क्या बोलते हैं ये आपके ही वीडियो देख के मंगाया सर, वीडियो का फोटो भेजो, तो फोटो निकाल के भेजते हैं हमको, देखो सर ऐसा ही आप तो बात कर रहे हैं ना, देखा तो वीडियो हमारा है पूरा हमारा है, लेकिन वेबसाइट तो हमारा नहीं है, ऊपर 499 तो हमारा नहीं है, ये आपका नाम भी तेल का नाम भी बदनाम हो रहा है और लोगों का भी नुकसान हो रहा है। हाँ, लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत अपना आदिवासी के नाम से बहुत सारा स्कैम चल रहा है सर। उन स्कैमर्स के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे आप, मतलब जो स्कैमर्स है जो सारी चीजें कर रहे हैं, जो गलत चीजें कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? सर उसी लिए सर अभी जो भी आदिवासी के तेल के नाम से ऐसा कुछ स्कैम मत करो, किसी को मत धोखा दो, आप जो भी करना है ओरिजिनल करो, अच्छा करो, देश के लोगों को अच्छा तेल दो, अच्छा फायदा हो दो, दोबारा आके आपके पास लेने जैसा करो। सर इस तेल में कितनी नमूने की जड़ी बूटी डालते हैं आप? सर इसमें से 108 प्रकार की जड़ी बूटी होती है सर, टोटल 108 प्रकार की जड़ी बूटी होती है, 4 से 5 घंटा तेल पकाना पड़ता है सर,
चार से पांच घंटा तेल पकाने के बाद वो रेडी हो जाएगा। एक दिन पूरा उसको ठंडा करना पड़ता है, पूरा ठंडा करके बॉटल के अंदर पैक करके उसको ऑर्डर आने से पैक करके होम डिलीवरी हम बेचते हैं। होम डिलीवरी आप ही कर रहे हो? हाँ, हम यहाँ से होम डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी हम यहाँ से बेचते हैं। हम अपना देश में सबको अच्छा देना है तेल, उनका फायदा होगा तो हमारा भी फायदा है सर। उनका बाल आएगा, उनसे 10 कस्टमर हमें मिलेगा। ये एक सच्चे देशभक्त की एक सच्ची बात है कि ये सब जो मेहनत कर रहे हैं ये लोग अपने देशवासियों के लिए कर रहे हैं ताकि उनको फायदा हो। इनका उसमें कितनी मेहनत है, कितनी कठिनों से ये तेल बनाते हैं, वो सिर्फ इन लोगों को ही पता है। और बीच में जो स्कैमर्स जो स्कैम कर रहे हैं वो स्कैम से दूर रही सर। स्कैमर जैसा स्कैम कर रहे हैं उन लोगों के, मतलब जैसा प्रोडक्ट जो अपने आपके कस्टमर से, उन लोगों का ऑर्डर कहाँ से करना है वो आप ऑफिशियल वेबसाइट है या फिर कोई फोन नंबर है, किस तरह ऑर्डर करना है एक बार बता दीजिए आप। और सर हमको हमारा ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारा नंबर स्क्रीन पे हमारा नंबर रहेगा, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर देंगे, नंबर पे कॉल करो, हमसे बात करो, एड्रेस भेजो व्हाट्सएप पे, कोई डाउट रहेगा तो वीडियो कॉल करके देखो हमें, हम पूरा दिखा देंगे कैसा तेल बना रहे वो भी दिखाएंगे, हमें भी देख सकते हैं जो वीडियो में हम बात कर रहे हैं जी। हमारे पास ओरिजिनल मिलेगा, हमको देख के लो आपको ओरिजिनल मिलेगा। बिल्कुल, अगर आपका भी वीडियो स्कैम हो गया तो हमें पता नहीं है 499 का मिल जाएगा किसी कस्टमर को। दाढ़ी के लिए, बियर्ड के लिए, अपने हेयर्स के लिए, हर चीज के लिए तेल यूज कर सकते हैं। और मालिश के लिए भी तेल इन्होंने अलग प्रकार का तेल बनाया हुआ है। जो सालों का दर्द है वो दर्द नहीं मिट रहा है, वो भी तेल इन्होंने बनाकर रखा है। पूर्वजों से इन्होंने सीखा है, आदिवासियों से, मतलब ये पहले आदिवासी थे, अब सारे ये लोकेलिटी में आकर रह रहे हैं, पूरा आदिवासी से इन्होंने सीख कर ये सारा इतना अच्छा बड़ा ब्रांड बना लिया है, एक एम्परर खड़ा कर दिया है इन लोगों को। ठीक है गुरुमूर्ति जी, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा और आपने सारी चीज़ें शेयर की, इसके लिए आप हम आपको दिल से शुक्रिया अदा करते हैं टी एच जी की तरफ से। तो जैसा कि आप सबने देखा हमारा ये पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े थे बहुत ही खास मेहमान, आदिवासी हेयर ऑयल के ओनर, जो मेन ओनर है, उनके साथ हमने ये पॉडकास्ट कंप्लीट किया है। तो ऐसे ही पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।